Assalamu alaikum traders, this video is not an investment advice, so do not invest money, you cannot afford to lose. OTC market hai, zabardast kism ka downtrend bana, uske baad jo hai ye thoda sa up hone ke baad ab ye dobara ek consolidation area ban raha hai, jaisa ki maine aapko bataya hua hai aur ab aapko yaad bhi rehna chahiye ki uptrend downtrend ke baad hamesha consolidation area banta hai, market jo hai wo consolidate hoti hai एरिए में और उसके बाद जो है ऊपर या नीचे की तरफ जो है वो दोबारा मूव करने की कोशिश करती है, या तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है या फिर ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड के बाद ये अब कंसोलिडेशन एरिया बना है और अब देखते हैं अगर यहाँ से ये इसको क्रॉस करने इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी तो फिर तो हम लगाएंगे, अदरवाइज जो है वो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लग ऐसी रहा था कि ये बड़े ज़बरदस्त किस्म से इसने यहाँ से जो है वो ब्रेक किया है, तो उम्मीद यही है कि इस कंसोलिडेशन एरिया को ये क्रॉस कर किया है तो इस कम अज़ कम इस कंसोलिडेशन एरिया ही से ये जो अगली कैंडल है वो क्लोज होगी। तो काफ़ी ओटीसी मार्केट है, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कैंडल्स जो हैं वो उनका बिहेवियर काफ़ी एबनॉर्मल होता है, इसीलिए बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो ओटीसी मार्केट के ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते। लेकिन हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन थोड़ा एहतियात से करें क्योंकि ओटीसी मार्केट में वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आखिरी टाइम पे भी ये हमें कोई अजीब व गरीब किस्म की कैंडल बनी है। इसको उसूली तौर पर तो इतनी शानदार कैंडल के बाद इसको ऊपर ही जाना चाहिए था, लेकिन अब आपने देखा है कि यहाँ पर जो है वो एक डोजी बनी है और वो भी बेरिश डोजी बनी है और इसके बाद अब ये दोबारा अब नीचे आने की कोशिश कर रही है। अब नीचे से इसको रिजेक्शन मिली है, उसूली तौर पर तो इसको ऊपर जाना चाहिए। अब ये वापस मुझे लग रहा है कि ये इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर आ रही है, तो आने दें इसको, कोई मसला नहीं है। यहाँ से फिर इसने जाना तो ऊपर ही पड़ेगा, देखते हैं हमें कोई अच्छा पॉइंट मिले तो हम वहाँ पर जो है वो आपकी ट्रेड लगाएंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें जो हमारा एंट्री पॉइंट है कम अज़ कम उससे ऊपर जो है वो जानी चाहिए। जैसा कि अब आपने देखा कि हमारा ये एंट्री पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा ही गलत लग गया है, मुझे लग ऐसे ही रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब ये चूंकि ये कंसोलिडेशन एरिया है यहाँ पर इसको वापस आना चाहिए कैंडल को, तो आप देखेंगे कि आखिरी टाइम में ये इंशाल्लाह जो हमारा एंट्री पॉइंट है इससे तो थोड़ा सा ऊपर ज़रूर जाएगी और इस एरिए में वापस आने की कोशिश करेगी। लेकिन ओटीसी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, देखें यहाँ पर अब रिजेक्शन भी हुई है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस ओटीसी मार्केट में तो अल्लाह ताला के आसरे पर ही आप ट्रेड कर सकते होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि ऐसी मार्केट में आप ट्रेड ना ही करें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो ज़बरदस्त किस्म की अब इसने दोबारा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और इसने इसको भी क्रॉस कर लिया है, तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम अब क्या कर सकते हैं। और फिर नीचे आ रही है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ओटीसी मार्केट में ट्रेड करना, तो इसीलिए आपने एहतियात करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीन रेड का एक किस्म से एक सीक्वेंस अब बन रहा है, तो कोई मसला नहीं है, हमें इंतज़ार करने में ट्रेड ना लगाना भी बहुत ही अच्छी ट्रेड होती है। ये भी आप अपने जहन में रखें कि हर कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लगानी होती और कभी कभार ट्रेड का ना लगाना बहुत अच्छी ट्रेड होती है। अब तो ये वाकई यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से निकली है और अगर हमें टाइम भी है हमारे पास थोड़ा सा ये नीचे आ जाए या इतना हो कि कम से कम हमारा एंट्री पॉइंट थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें मिल जाए तो फिर हम जो है इसके ऊपर ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे। तो जा तो अब ये ज़बरदस्त तरीके से ऊपर ही रही है और इसने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का अप ट्रेंड शो कर रही है, तो मेरा ये खौफ अल्लाह थोड़ी सी इधर यहाँ पर लगनी थी हमारी, चलें कोई मसला नहीं है। वैसे भी हमारी अब ये आखिरी ट्रेड है तो उम्मीद यही है कि यहाँ से अब ये ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी।
जिन लोगों ने कैंडल स्टिक्स साइकोलॉजी की ट्रेड्स वाली हमारी वीडियो देखी हैं, तो वो इस वीडियो इस कैंडल को ज़रा गौर से देखें और बताएं कि इस कैंडल का क्या नाम होता है, और ये कैंडल जो है वो जो हमारे ग्रुप्स हैं कौन से ग्रुप में ये कैंडल आती है, तो फिर उनको अब सही तरीके से पता चल जाएगा कि ये ट्रेड हमारी कैसी लगी है। ठीक है, तो ऊपर से भी काफ़ी शानदार किस्म की रिजेक्शन हुई है, लेकिन ये जो हमें कैंडल बता रही है कि ये तो काफ़ी मजबूत कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो कम से कम जो हमारा एंट्री पॉइंट है अगर यहाँ पे लगा होता तो बहुत ही शानदार था, लेकिन उसके बावजूद भी लग ऐसी रहा है कि अब इंशाल्लाह हम ये ट्रेड भी जीत जाएंगे। तो अगर आप अभी तक IQ ऑप्शन के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, मेरा एफिलिएट लिंक है, वहाँ से आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ट्रेड के साथ, और अपनी ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, तो फिर मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।